अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप जो है वो है होक्काइडो यूनिवर्सिटी में, और मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा। उसमें ये भी बताऊंगा, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है। होक्काइडो यूनिवर्सिटी जो है जापान मेनलैंड से, होक्काइडो जो एरिया है जापान मेनलैंड से थोड़ा दूर है, मतलब बाय रोड कनेक्शन नहीं है मेनलैंड जापान का और होक्काइडो का। लेकिन मेरा जो है जो वहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहा, तो मेरा ट्रैवलिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एरियाज में से बहुत ही ठंडा और नाइसेस्ट एरिया है। और उसका जो मेन सिटी है होक्काइडो का वो है सपूरो, तो वहाँ पे ये होक्काइडो यूनिवर्सिटी है। तो अभी जो है मैं आपको इसके डिपार्टमेंट्स भी बताऊंगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इसमें, कौन कौन से सेक्शंस हैं इसमें, प्रोफेसर को आप किस तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हो, प्रोफेसर को क्या लिखना है ईमेल में, ये सारी वीडियो में आपको सारी डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले लेकिन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, और उसमें मैं आपको डिपार्टमेंट्स और सारी डिटेल। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये है मैक्स्ड स्कॉलरशिप, और ये है मैक्स्ड बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। इसमें दो प्रोसीजर होते हैं, एक होता है मैक्स्ड बाय एम्बेसी रिकमेंडेशन और एक होता है मैक्स्ड बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। तो अभी जो है इस साल जो है मैक्स्ड बाय एम्बेसी रिकमेंडेशन की डेट गुजर चुकी है, लेकिन मैक्स्ड बाय यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की डेट अभी भी है। उसकी जो डेडलाइन होती है वो हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती है, लेकिन जिसमें आपको प्रोफेसर मिलता है तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एग्जैक्ट डेट देखनी पड़ती है जब वो अनाउंस होती है। तो नॉर्मली जो डेट्स होती हैं हर यूनिवर्सिटी की वो तकरीबन होती हैं दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में उनकी डेडलाइन होती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि प्रोफेसर कैसे मिलेंगे, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में, मोस्टली जो भी ये वीडियो देख रहा होगा मुझे लगता है सारों को अपने अपने डिपार्टमेंट मिल ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है होक्काइडो यूनिवर्सिटी का ये जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा। आप जैसे ओपन करोगे तो आप इस लोकेशन पे ये लिंक जो है आपको ओपन होगी जहाँ पे स्कॉलरशिप है, तो आपको ढूंढने के लिए कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। आप जैसे उस लिंक को ओपन करोगे तो आप इस पेज पे होंगे। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो है ये होक्काइडो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, मतलब यूनिवर्सिटी की खुद की स्कॉलरशिप भी है, अदर स्कॉलरशिप भी है, लेकिन हम आज बात करेंगे जैपनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है, इवन यू कैन से इन द वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है। तो वन ऑफ द टॉप स्कॉलरशिप में ही आती है। और ये जो स्कॉलरशिप है मैक्स्ड स्कॉलरशिप जिसका मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो मैक्स्ड स्कॉलरशिप की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें आपका जो है फुल्ली फंडेड होती है ये, और इसमें आपकी फ्लाइट भी आने की और जाने की भी, इसका मतलब यह है कि कोई खर्चा भी आपका नहीं होगा सिवाय डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करने के, ठीक है। तो अब इसमें अंडर ग्रेजुएट वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बाय एम्बेसी रिकमेंडेशन, उनके लिए ये वाला जो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन वाला ये नहीं है। तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है एम्बेसी रिकमेंडेशन, और वो जो है मई या जून में उसकी डेडलाइन होती है। तो तकरीबन जो है यूं समझो डेडलाइन से दो तीन महीने पहले ओपन हो जाती है। अब जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो फिलहाल जो है हम इस वक्त बात करते हैं स्कॉलरशिप के अमाउंट की, पहले बात करते हैं और फिर मैं आपको ये बताता हूँ प्रोफेसर कैसे आप सर्च करोगे। तो ये स्कॉलरशिप अमाउंट है, तो ये स्कॉलरशिप तकरीबन बनती है पाकिस्तानी बनेंगे तकरीबन यू समझेंगे आप 75,000 बनेंगे फॉर अंडर ग्रेजुएट। फॉर मास्टर्स जो है वो बनेंगे तकरीबन जो है 210,000, और बाकी पीएचडी वालों और मास्टर वालों को ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1,000 येन का ही फ़र्क है, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो अब हम आगे चलते हैं कि प्रोफेसर आप अब कैसे सर्च करने हैं आपने प्रोफेसर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप जाओगे ये जो टॉप में है रिसर्च एंड एजुकेशन पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये देखें यहाँ पे आप आ गए, तो ये बहुत सारे आपको आपके पास ऑप्शन ओपन हो गए, ठीक। अब इनमें से आप किस में आपने जाना है, आप जाओगे ग्रेजुएट, क्योंकि आप जो अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं करें, मैंने आपको बताया कि अंडर ग्रेजुएट के लिए यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप जाओगे ग्रेजुएट स्कूल्स में, तो आपको पता चलेगा ग्रेजुएट स्कूल्स में इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो ये जो है नीचे यहाँ पे इनके पास डिपार्टमेंट, ये मतलब ये सेक्शंस हैं, अब इनमें फिर फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह अगर इंजीनियरिंग है तो फिर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे फिर फर्दर डिवाइडेड हैं। लेकिन देखिए आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि हर कैटेगरी के इनके पास अलग अलग, जिस तरह एग्रीकल्चर है, बायोमेडिकल है, केमिकल है, डेंटल है, ठीक।
और इस तरह, और अगर नीचे जाते हैं तो ये लॉ है, लाइफ साइंस है, मेडिसिन है, तो सब अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है फॉर एग्जाम्पल मेरा मैकेनिकल है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ, तो हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, इंजीनियरिंग में देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हम आपको कोई किसी और में भी जाके देखते हैं कि उनके पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं अदर अदर जो है डिवीजन में। अब ये जो है हम आगे इंजीनियरिंग डिवीजन में, अब इंजीनियरिंग डिवीजन में हमें जो है यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं, तो इनके पास जो है अगर आपको स्कूल की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनके पास कौन कौन से इंजीनियरिंग में कौन कौन से इनके पास डिपार्टमेंट हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे रिसर्च में, रिसर्च में आने के बाद आप करेंगे स्टाफ में, आप स्टाफ में आ गए। अब आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो है फैकल्टीज यहाँ पे बनी हुई हैं। अब ये डिवीजन ऑफ अप्लाइड फिजिक्स है, डिवीजन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री है, मैकेनिकल, ये अब ये जिस तरह मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल भी है, आर्किटेक्चर भी है, सस्टेनेबल रिसोर्स इंजीनियरिंग भी है, एडवांस रिसर्च एनर्जी मटेरियल भी है, बहुत सारी हैं। ठीक, अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल की बात करते हैं, आप जिसको जिसका जो डिपार्टमेंट है वो अपने उस डिपार्टमेंट पे क्लिक करेगा, तो अब यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें प्रोफेसर नहीं मिल रहे, तो आपके पास ये देखें ये यहाँ से लेके ये सारे प्रोफेसर ही प्रोफेसर हैं, उनकी लेबोरेटरी भी बताई हुई है कि कौन सी लेबोरेटरी है। ठीक है, तो देखें अब कितने प्रोफेसर हैं, और लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें प्रोफेसर नहीं मिलते, तो देर आर सो मेनी प्रोफेसर। तो अब मिसाल के तौर पे हम किसी भी प्रोफेसर को, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोफेसर से हमें रब्ता करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मैकेनिकल प्रोफेसर के पास जाना है हमें, तो चलें इसको ट्राई करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्मार्ट स्ट्रक्चर। अब ये प्रोफेसर है, ये एसोसिएट, चलो एसोसिएट को छोड़ो, किसी प्रोफेसर से रब्ता करते हैं, ये जो है ये प्रोफेसर है नाकामुरा थकाशी सेंसे, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आप जो हो डायरेक्टली जो है इस एग्जैक्टली सिर्फ इस लेबोरेटरी की जो है आप उस पर चले जाएंगे, इसकी जो उनकी पर्सनल जो वेबसाइट है आप वहां पे चले जाएंगे, जो ये इस लेबोरेटरी का सेक्शन है। अब यहाँ से जो है ये देखें आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन है, अगर इंग्लिश का ऑप्शन ना हो तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंग्लिश में हो जाएगा, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी अपनी जापानीज में वेबसाइट इंग्लिश में दी हुई, तो आप जाएंगे इंग्लिश वाले ऑप्शन में। तो अब आ जाए इंग्लिश इंग्लिश के सेक्शन में, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है अब यहाँ पे आप किस तरह जो है प्रोफेसर को, आपकी ईमेल जो है कहाँ से आपको प्रोफेसर की मिलेगी, जहाँ से आपने इसको ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, मेंबर्स, ठीक है। अब ये जो है ये प्रोफेसर, ये एसोसिएट प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है। अब ये जो है यहाँ से आप इसकी ईमेल कॉपी करोगे, यहाँ से आपने कॉपी किया और फिर जो है आप अपनी ईमेल में जाके यहाँ से ये जो है एटी, इसको आपने एट द रेट करना है, ठीक है, ये आपने खुद चेंज करना है, यहाँ से आप कॉपी करोगे और जाके आप इसको ईमेल करोगे सेंड। आप जो है बाकी मेंबर को भी कर सकते हो, क्योंकि अभी कभी प्रोफेसर बिजी होता है, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर को भी कर सकते हो, पहले आप प्रोफेसर को करो, देन सी अगर जॉब नहीं आता तो आप एसोसिएट को भी कर सकते हो, तो वो आपका जो है आपकी बात करेगा प्रोफेसर से, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। ठीक हो गया, अब जो है आपने यहाँ से इसकी ईमेल आपको मिल गई, बाकी ईमेल सारी सेम है, जस्ट ये जो एटी लिखा है आपको इसको एट द रेट करना है, तो ये प्रोफेसर को ईमेल चली जाएगी। अब आपने सेकंड थिंग, आपने ईमेल में क्या लिखना है, मैं ये मेरा वे है, आप इसे एग्री भी कर सकते हो डिसएग्री भी कर सकते हो, मैं चीजों को सिंपल रखने में बिलीव करता हूँ, तो दे बिल्कुल ही सिंपल एक ईमेल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, कोई भी बड़ी हैवी इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक ईमेल है जो मैं लिखता था ड्यूरिंग माय मास्टर्स, जब मैं मास्टर के फाइनल ईयर में जब मैं आया था तो मैंने प्रोफेसर प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो ये वो वाली ईमेल है सेम जो मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर को सेंड की थी, तो मुझे जो है फिर 3 स्कॉलरशिप मिली थी, चाइना में मैंने मास्टर किया था, फिर चाइना में पीएचडी मिली थी, और एक यूरोप में, चेक रिपब्लिक में, और एक जापान में, एंड मैंने जापान चूज किया। ठीक, अब ये जो है आई विल बी फिनिशिंग माय एमएस डिग्री, अगर आप फिनिश कर चुके हो तो आप यू टू से आई हैव फिनिश्ड, ठीक है, तो मैंने कहा कि आई विल बी फिनिशिंग माय एमएस डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट चोंगचिंग यूनिवर्सिटी चाइना दिस ईयर, एंड कंसीडरिंग टू अप्लाई पीएचडी प्रोग्राम आई वुड बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर रिसर्च ग्रुप, आई विजिटेड योर प्रोफाइल एंड स्टडीड फ्यू ऑफ योर आर्टिकल्स, आप उनके आर्टिकल जो आपकी फील्ड से रिलेवेंट है उनके लिंक भी देते हैं, तो बेहतर ये कि आप सिर्फ रिलेवेंट प्रोफेसर को रब्ता करें, जो रिलेवेंट हैं वो फिर आपके चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशली प्रोफेसर यही चाहते हैं, जिस तरह जॉब में होता है कि अगर जॉब वाले चाहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस बंदा मिले, तो
तो प्रोफेसर भी चाहता है कि अगर बंदा उसकी फील्ड का एक्सपीरियंस होगा तो उसको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं मास्टर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या अपने मास्टर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में ये मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने मास्टर्स में किस चीज़ पे रिसर्च की है, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, और उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, जो जो आपने चाहे वो आपने कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश किए हैं, चाहे वो आपने कोई पोस्टर प्रेजेंट किया है, कुछ भी किया है, जो भी डिटेल है, लेकिन उस प्रोफेसर से अगर रिलेवेंट हैं तो आप उनकी लिंक आप यहाँ पे कर दें। अब मैंने जो है यहाँ पे जो है ये अपना उनका नाम भी, टाइटल भी, और साथ में लिंक भी, कि ताकि वो खुद इजीली अब इसको ओपन अगर देखना होगा वो यहाँ से ये कॉपी करके मेरी प्रोफाइल, मेरे पेपर्स जो हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस पेपर हैं या जर्नल में पेपर हैं, वो ये खुद यहाँ से देख सकता है। और एंड में आप उसको बता सकते हो कि आप अप्लाई करना चाहते हो फुली फंडेड मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, ताकि उसकी उसकी नॉलेज में हो कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। तो ये एक सिंपल सिंपल एक ईमेल का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे प्रोफेसर का नाम आपने लास्ट में लिखना है, और अगर प्रोफेसर फुल प्रोफेसर है तो यहाँ पे आपने प्रोफेसर लिखना है, अगर वो डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर है तो आपने डॉक्टर लिखना है। ठीक हो गया। अब ये जो है लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जब आपको प्रोफेसर मिल जाएगा तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको प्रोफेसर को सेंड करने, पहले आपको ईमेल करके सेंड करना है, उसको चेक करवाना है। स्पेशली जो इनमें से चेक करवाने वाली जो चीज़ है वो ये है, ये जो रिसर्च प्लान है आपका एंड समरी ऑफ योर थीसिस, ये जो है ये मेन चीज़ें हैं, आपने उसे चेक करवानी है। क्योंकि ये जो है ये बहुत मैटर करेंगे जो है आपके उसमें आपके प्रोफाइल को जो है आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये आप उससे चेक करवाइएगा, प्रोफेसर को ईमेल करके सेंड करिएगा। उसके बाद जब वो कहता है कि हाँ ठीक है, जो चेंजिंग करने के लिए कहता है, आप चेंजिंग करके दोबारा उसको ईमेल करें। जब वो ओके करता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये पोस्ट करने हैं, हार्ड कॉपीज, ठीक है। और पोस्ट जो है आप, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट जो है आप कर सकते हैं बाय DHL और बाय पाकिस्तान पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप पाकिस्तान पोस्ट से करें, अदरवाइज DHL। तो अब इनमें से एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कहाँ से मिलेंगे, प्रोफेसर मान जाता है, आप यूनिवर्सिटी के ईमेल करेंगे यूनिवर्सिटी के जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को कि मुझे फॉर्म्स चाहिए मैक्स के, और यूनिवर्सिटी का फॉर्म चाहिए बिकॉज मुझे ये वाला प्रोफेसर आप मिल गया है, तो वो आपको फॉर्म सेंड करेंगे। रिकमेंडेशन लेटर सिर्फ एक चाहिए, जहाँ से आपने बैचलर्स किया है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जहाँ से आपने मास्टर्स किया है तो उस डिपार्टमेंट के हेड से, जो आपका जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिसको चेयरमैन बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है उससे। उसके अलावा तीसरा जो है आपको कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी ऑफ डिग्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये भी आपको, अगर आपके पास IELTS या TOEFL है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप जहाँ से आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, आप उनको बोलें कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टडी प्लान आपने बनाना है, तो स्टडी प्लान भी जो है आप सर्च करेंगे गूगल पे किस तरह बनाना है, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है कि स्टडी प्लान किस तरह बनाना है, तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा समरी ऑफ योर थीसिस, आपको अपनी थीसिस जो है आपका, आपको उसको समराइज करना है तकरीबन 8 से 10 पेजेस में। आपने अगर 60 70 80 जितने पेजेस का लिखा है, आपको उसके मेन मेन पॉइंट्स रखने हैं और बाकी चीज़ों को स्किप करना है, और 8 से 10 पेजेस में समराइज करना है आपको अपने थीसिस को। ठीक हो गया। तो ये फाइनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।